बढ़ती हुई आबादी और घटती हुई खेती की जमीनें हर किसी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। लेकिन कहते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं उसका जवाब साइंस के पास है। जी हाँ, खेती जो सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई थी, जिसके लिए मिट्टी की भी कमी हो रही थी, हर जगह मिट्टी भी नहीं है पूर्ति हो पाती खेती के लिए, वहां पर साइंस ने इजाद किया है एक ऐसा तरीका जहां पर आप बिना मिट्टी, बिना रेत और बालू के खेती कर सकते हैं, और इस खेती का नाम है हाइड्रोपोनिक्स। किस तरह से हाइड्रोपोनिक्स में पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके खेती की जाती है आप जानेंगे इस वीडियो में। टाइप्स ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग। मटर, टमाटर, हरा प्याज, बेसिल, फनेल, लेटस एक्सेट्रा, ये सारी सब्जियां आप हाइड्रोपोनिक्स के जरिए उगा सकते हैं और मार्केट में सप्लाई कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स सेटअप प्लांट्स के बारे में। इस बिजनेस को आप दो तरह से सेटअप कर सकते हैं, एक है ऑटो हाईटेक सेटअप और दूसरा है नॉर्मल सेटअप। हाइड्रोपोनिक्स कल्टीवेशन सेटअप के लिए आपको जिन एसिड्स की जरूरत होगी वो है पीवीसी पाइप्स, यूपीवीसी पाइप्स, ड्रम्स, फूड क्रेट्स, वाटर रिसर्कुलेटर मोटर, डोजिंग सिस्टम, एनएफटी फ्लैट बेड्स, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस एक्सेट्रा। रॉ मटेरियल्स। हाइड्रोपोनिक्स कल्टीवेशन के लिए आपको सीड्स, न्यूट्रिएंट्स, ग्रो मीडिया, नीम ऑयल, फास्फोरिक एसिड की जरूरत होगी। हाइड्रोपोनिक्स की कल्टीवेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फार्मिंग का सेटअप लगाना होगा। सेटअप तैयार होने के बाद आप सीड्स को सीडलिंग ट्रे में डालें, उसके बाद उसे एक हफ्ते तक वहीं छोड़ दें, फिर एक हफ्ते बाद उसे सिस्टम में ट्रांसफर कर दें। सिस्टम में सीड डालने के बाद उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करें। पहले शुरुआती दिनों में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा 300 ppm रखें, लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा आप इसे बढ़ा सकते हैं, और फाइनल स्टेज में आने तक इसकी न्यूट्रिएंट खपत लगभग 600 ppm हो जाएगी। इसके बाद जब आपकी फसल तैयार हो जाए तो उसे आराम से काट लें। काटने के बाद आप उसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं और मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसे सप्लाई करते रहें। इट इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग फूड विदाउट सॉइल, सॉइललेस फार्मिंग जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम मिट्टी को छोड़ के हम पानी में न्यूट्रिएंट डालते हैं, जो मिनरल्स होते हैं प्लांट्स की जो नीड होती है वो हम न्यूट्रिएंट के अंदर डालते हैं और वो ही प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। सो व्हाट एवर द प्लांट नीड्स वी गिव इट मैन्युअली। हाइड्रोपोनिक्स बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 500 स्क्वायर मीटर की जरूरत होगी। इस एरिया के साथ आप आसानी से अपना हाइड्रोपोनिक्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एरिया के बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो हाइड्रोपोनिक्स के लिए आपको कम से कम 2 किलोवाट बिजली के लोड की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस स्टार्टअप के लिए आपको 5 से 8 लोगों की जरूरत होगी, जिसमें एक स्किल्ड और बाकी अनस्किल्ड हो सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी सुपरमार्केट या मॉल्स में होलसेल में सप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट को रिटेल में या फिर ऑनलाइन भी बेच सकते हैं और लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं।
अगर आप इस बिजनेस को ऑटो हाईटेक मशीन्स के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लगभग 20 से 25 लाख रुपए की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप इसे नॉर्मल मशीनों के सेटअप के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए लगभग 10 से 15 लाख रुपयों की जरूरत होगी। इस इन्वेस्टमेंट के साथ आप आसानी से अपने हाइड्रोपोनिक्स के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बाद अगर कोई बात हमारे सामने आती है तो वो है प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद सबसे पहले दिमाग में आने वाली बात प्रॉफिट कि कितने दिन बाद प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। तो आपको बता दें, 45 दिनों के एक बैच में हम करीब 1000 किलो प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक प्लांट से निकले फल या सब्जी का वजन अप्रोक्स 350 ग्राम होता है, यानी इस हिसाब से आप 45 दिनों के बैच में निकले टोटल प्रोडक्शन को मार्केट में लगभग 2,62,500 रुपए में सेल कर सकते हैं, और इसमें जो एक्सपेंडिचर होंगे वो लगभग 60% ऑन टोटल प्रोडक्शन होगा, यानी इस हिसाब से 1,00,000 रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से अर्न किया जा सकता है। आज हमने आपको बताया कि किस तरह से हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन की जाती है, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग होती है, जहां पर मिट्टी और रेते का इस्तेमाल नहीं होता और पानी में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके यहां पर पौधे, फल और फ्रूट जो है वो उगाए जाते हैं। अगर आप भी इस तरह का कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको किसी भी एक्सपर्ट राय की जरूरत है, तो जरूर कॉन्टेक्ट करें IID से। नीचे स्क्रीन पर हमारे फोन नंबर्स और ईमेल आईडी दिए गए हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं और अपनी मनचाही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।